कृष्ण बिहारी मिश्रा, ये नाम पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत नया नहीं है। इन्होंने अलग अलग तरीके से पत्रकारिता की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल किया और विवादों में भी कई बार रहे। बहुत सारी बातें आपसे करनी है क्योंकि आज आप एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं अपने उस पोस्ट को लेकर के जो विधानसभा के दौरान हुआ, पत्रकारों के द्वारा हुआ कि बैग लेने के लिए वो लोग छीना झपटी करने लग गए और उसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच गई। और उस पर आपने जो लिखा है और जिन जिन व्यक्तियों के नाम आपने लिखे हैं वो वाकई में एक साहस की बात है। ये हिम्मत कैसे आती है सर? विधानसभा में जो भी कुछ हुआ है वह अनैतिक है। एक पत्रकार वो छीना झपटी करेगा, समाचार के लिए छीना झपटी करेगा? और कोई पत्रकार ये कहता है कि उसमें मैटेरियल था और मैटेरियल लेने के लिए मजबूरन करना पड़ा तो मेरे से आए, मैं उसे जवाब देता हूँ, मैटेरियल तो भाड़ा पड़ा है आईपीआरडी के साइट पर, वहाँ से उठाया क्यों नहीं? और आप कह रहे हो कि हमने जो है बैग जो है मजबूरी में लूटने पड़े। गलत को स्वीकार करो बहुत बड़ी चीज़ है, गलत को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ तो गलत भी करेंगे और जो सत्य लिखेगा उसे दिखाएंगे भी ताकत कि हम आपको देख लेंगे। तो भैया मैं तो तैयार ही हूँ, मैं कौन सा इंग्लैंड और जर्मनी में रहता हूँ, रांची में ही तो रहता हूँ। मैंने लिखा, लिखूँगा, उन सब के खिलाफ लिखूँगा जो गलत करते हैं, क्योंकि जैसे अग्नि गर्म रहे या ठंडा, उसका काम है पानी को बुझा देना। आप गर्म पानी डालें चाहे ठंडा पानी डालें आग में, आग को भी बुझा देता है। उसी तरह कृष्ण बिहारी मिश्र है, हमारे पास समाचार आएगा, मैं उसे फेसबुक के माध्यम से या जो भी रोकना चाहेगा हमें, मैं नहीं रुकूंगा।